भोरी जी रहते हैं वो भाई, मतलब रात में 12 बजे का जो राख है उसको मलते हैं यार। हेलो दोस्तों, जय जोहर, जय झारखंड। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि यार मैं रात में कहाँ रुका हुआ था और कहाँ मैं हूँ यार। तो भाई मैं बता दूँ कि मैं अभी हूँ कहाँ हूँ यार। मैं भूल गया यार, मैं कहाँ पे हूँ। ओह नो, वृंदावन। नो, कहाँ पे है, कहाँ है हम लोग। ओके, तो गाइस मैं अभी बनारस में और भाई यहाँ पे एक राजघाट है, वहीं पे हम लोग रात में स्टे किया हुआ था। और भाई साहब आज हम लोग 3 से 4 जगह विजिट करने वाला हूँ, बहुत ही शानदार और यार दर्शन भी करने वाला हूँ। तो मैं बताता हूँ कि भाई पीछे आप लोग देख सकते हो गंगा नदी और बोटिंग वगैरह है, आप लोग पीछे देख लो भाई। और रात में हम लोग जहाँ पे स्टे किया हुआ था मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। भाई साहब अभी इतना गर्मी पड़ी है ना भाई, यार सुबह सुबह हालत ख़राब हो चुकी है यार। क्योंकि जैसे मैं एडिटिंग कर रहा था भाई, वीडियो एडिटिंग अंदर में कैंपिंग के अंदर में, यार भाफ रहा था यार बहुत तगड़ा। सुबह में थोड़ी सी बारिश हुई थी, बाकी अभी यार धूप तड़ाके वाला पड़ी है। और ये देखो हमारे पीछे टेंट ये लगा हुआ है, भाई तो उठा लिया अपना टेंट, बाकी यहाँ पे हम लोग का 3 टेंट लगा हुआ था। और भाई अभी तो तगड़ा वाला एकदम धूप सेक रही है, बाकी रात में नींद सही आई, मतलब थोड़ा सा मेरा तबीयत थोड़ा डाउन चल रहा है, तो रात में एक बार मुझे उठना पड़ा था यार, थोड़ा सा तबीयत मेरा डाउन था और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी, तो इसलिए हमको रात में उठना पड़ा एक बार। बाकी यार रात का जो नज़ारा था ना भाई, बहुत तगड़ा वाला था। और बाकी ये देखो नज़ारे कुछ, और सामने में यार ये है ब्रिज है जो कि ऊपर में है आप लोगों का रोड वाला ब्रिज, और जो उसके सेकेंड फर्स्ट वाला जो है वो है ट्रेन का। और बाकी ये देखो नाव यार, एम्बुलेंस भी यहाँ पड़ा हुआ है, देख सकते हो यार। रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे एम्बुलेंस भी चाहिए गाइस, ठीक है। और बनारस में हम लोग कल ही पहुँचे, और बनारस यूपी में पड़ता है, आप लोग को नहीं पता हो तो मैं बता दूँ यूपी में पड़ता है। बाकी तो यार हम लोग जल्द फटाफट पैकिंग वहाँ से करते हैं, और यहाँ से हम लोग 2 जगह भी विजिट करूँगा, जैसे कि एक हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर जहाँ हम लोग दर्शन करूंगा। तो गाइस एक ऐसा घाट है जो 24 घंटे वहाँ पे लाश जलती है, जो कि मणि कर्णिका घाट है यार, वहाँ बनता है गाइस, क्योंकि वही है जीवन का अंतिम सत्य। तो भाई कुछ लेके नहीं जाना है, कुछ भी किसी को दे के जाओ, ठीक है, लेके तो कुछ जाओगे नहीं, तो भाई अच्छा कर्म करके जाओ, ठीक है। तो भाई अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, पैकिंग वगैरह करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। बाकी आप लोग वहाँ पूरा दूर तक देखोगे ना यार, पूरा घाट के घाट ही है, और वही साइड अपन लोग को जाना है भाई, वो देखो घाट ही घाट है भाई। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें बता दूँ कि यहाँ पे जो पार्वती जी है उसका ही घर है यार बनारस, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, शिव जी और पार्वती का यहीं पे शादी हुआ था। सो गैस अभी हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, अभी हम लोग रास्ते में हैं, और भाई साहब चलते हैं। सो गाइस पिछले 1 घंटे से हम लोग चल रहा हूँ, और अभी तक हम लोग को काशी विश्वनाथ टेंपल नहीं मिला है यार। और ये जो पीछे हमारे जो देख रहे हैं ना यार, ये बहुत पुराने बिल्डिंग है, बहुत पुराना भाई, बहुत ही, और अभी भी बहुत मजबूत है भाई। ये दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, ये देखो, ये देखो भाई साहब, मतलब
तगड़ा है यार, बहुत मजबूत है। और जो पीछे आप लोग अभी देख रहे हैं, यहाँ पे घाट बहुत है भाई साहब, हर एक मतलब 20 से 25 मीटर में हम लोग को नया नया घाट मिल जा रही है। और फिलहाल गंगा महल घाट मिल चुकी है, ये देखो पीछे में। और ये जो बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग जो है ये बहुत पुराना है यार, बहुत पुराना। और भाई हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि यार पसीना क्या चल, गर्मी में इतना चल रहा हूँ ना कि पसीना बहुत है यार, बहुत पसीना निकल रहा है। नन अमु मार दो हर सुगा सची छुन बनान जान सुन गई। जो मंदिर देख रहे हो आप लोग ना, ये बहुत ही पुराना है गाइस, देख के ही पता चल गया होगा आप लोगों को कि कितना पुराना है, मतलब बहुत पुराना है गाइस ये तो। और यहाँ पे भीड़ जबरदस्त भरी हुई है। और तो गाइस जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ रही है। और यहाँ पे अधिकतर साउथ के लोग आए हुए हैं, अब पीछे जितना देख रहे हैं ना, सब उल्टा पुल्टा भाषा बोल रहे हैं अपने अपने लैंग्वेज पे, अभी साउथ भाषा। भाई साहब ये लोग इधर तो गैस चलते चलते हम लोग को भंडारा मिल चुकी है। और भंडारा में यार पूरी है और सब्जी है यार, और मेरा पेट खराब है यार, पता नहीं मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, क्योंकि डर भी लग रहा है यार, पेट मेरा खराब है भाई साहब। और देखो भंडारा में कुछ ये मिला है गैस, पूरी है, सब्जी है, और वो क्या है भाई, सूजी हलवा। तो भाई अभी यही खाना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन भी नहीं है और पेट भी भरना जरूरी है गाइस। देखता हूँ यार, एक दो मारता हूँ, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं भाई साहब। और यहाँ पे थोड़ा क्राउड है, यहाँ पे लोग खचा खच के, मतलब खचा खच भरे हुए हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े वैसे वैसे लोग भी बढ़े। ठीक है, मिलते हैं आगे आप लोगों से। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई जीवन का अंतिम सत्य मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। और ये मणिकर्णिका घाट में हम लोग पहुँच चुके हैं। और भाई यहाँ पे हर मिनट में, हर सेकेंड में यहाँ पे यार लाश को मतलब ये किया जाता है, मतलब जलाया जाता है भाई, ये क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन भाई साहब यहाँ पे बहुत तगड़ा यार, मतलब देख करके इतना। और हाँ यहाँ पे बोलते हैं ना भाई साहब, यहाँ पे जब भी लाश वगैरह मतलब यहाँ पे करते हैं तो उसको स्वर्ग मिलती है, इसीलिए यहाँ पे हर मिनट में, हर सेकंड में यहाँ पे ये बनती है, ये जलाते हैं यहाँ पे। और मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कैसे जलाते हैं। ये देखो गाइस, ये है मणिकर्णिका घाट, और यहाँ पे हर सेकंड में, हर पल यहाँ पे जलती रहती है। सो गैस आप लोगों को ये देख करके कैसा लग रहा है, मतलब जीवन का अंतिम सत्य यही होने वाला है भाई। तो क्या लेके जाना, क्या ईगो दिखाना, क्या करना भाई साहब, किसके साथ क्या बिहेव करना, मतलब अच्छा से रहो भाई बस, बाकी तो अंतिम में तो यही होने वाला है। तो भाई बस यही बोलना चाहूँगा, प्यार से रहो, अच्छे से रहो, घूमो फिरो, मस्त रहो भाई, और जीवन का अंतिम सत्य यही है भाई साहब। भाई ये रहा हम लोग का मणिकर्णिका घाट, और भाई यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। तो मुझे यहाँ पे पता चला एक यहाँ पे बाबा है,
तो भाई रात को 12 बजे आते हैं वही वहाँ पे मणिकर्णिका घाट में, और वहाँ का घोरी जी रहते हैं वो भाई, मतलब रात में 12 बजे वही जो जगह पे है ना वहाँ पे आते हैं, और जो वहाँ का जो राख है उसको मलते हैं यार, ठीक है, मतलब मलते हैं और उसको बोलते हैं भाई साहब कि ये पुण्य का काम है, ठीक है, मतलब उससे उसको मतलब पुण्य मतलब मिलती है, और बस यही था भाई साहब। और ऐसे तो रात में तो आया नहीं यार, अगर आज मैं यहाँ पे रहा तो ज़रूर रात में आकर के मैं दिखाऊंगा आप लोगों को यहाँ का। बाकी अभी मैं चलता हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर, मिलता हूँ वहीं पे आप लोगों से। और भाई घमंड कभी भी मत करना, यही है जीवन का अंतिम सत्य, ठीक है, तो कभी भी मत करना। बाकी आंधी तूफान चल रहा है उसको रोक के जितने भी यात्री लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए। बाकी ये देखो यार कितने तगड़ा वाला हवा चल रही है, और बाकी यहाँ पे भीड़ बहुत तगड़ी है भाई, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। जहाँ हम लोग रुके हुए थे राजघाट में, एक्चुअली वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद नहीं आ रहा पता चला कि कितना भीड़ है भाई साहब। अभी हम लोग दर्शन करेंगे, तो अभी हम लोग दर्शन करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। सर हवा चल रही है भाई साहब यहाँ पे थोड़ी सी, और यहाँ पे ये देखो नाव वगैरह चल रही है, उनसे बोला जा रहा है कि अनाउंसमेंट में कि जितने भी यात्री लोग हैं सब बाहर निकले, और हवा चल रही है भाई साहब यहाँ पे। इधर उधर मत करिए, उनको बुलाइए जल्दी के। वो देखो भाई वो उधर से मैं आया था, हम लोग आया था, और वहाँ से वो जो ब्रिज है ब्रिज भी नहीं दिख रही भाई साहब यहाँ से, क्योंकि हवा चल रही है और जो धूल उड़ रही है ना भाई उससे पता नहीं चल रहा भाई। 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 So guys, 내가 अभी हूँ काशी विश्वनाथ बाजार में guys, और यहाँ पे इतने ज़्यादा हवा चल रही है कि भाई साहब मस्त मस्त हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और बाकी यहाँ का भाई धोखे में भर जाता है यार। बाकी यहाँ के जो बाजार है ना भाई, मार्केट है तगड़ी है भाई साहब, अच्छी खासा है। और So 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 और भाई पीछे आप देख सकते हो यहीं से हम लोग को एंट्री दिया जाएगा। और भाई यहाँ पे ना कुछ भी ले नहीं जा सकते, ना फोन ना कैमरा ना बैग, कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। तो भाई हम लोग यहीं पे बैग लगेज वगैरह यहाँ पर रख दे रहे हैं, बाकी एक लोग यहाँ पे रहेंगे, बाकी दो लोग दर्शन करके आएंगे, उसके बाद फिर भाई जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग दर्शन करके आते हैं उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। और भाई यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, ये देखो यहाँ से इस जगह से हम लोगों को एंट्री मिलेगी, और आगे तक का यहीं तक रहेगा भाई साहब। आ चुके हैं दर्शन करके, और भाई मंदिर बहुत ही महंगी वाली मंदिर थे भाई, मतलब सोने का जो परत रहता ना वो पूरा परत अंदर में मंदिर में मतलब परत चढ़ाया गया, और दर्शन कर लिया। और भाई मैं बता दूं कि दर्शन जब करने में गया, जब लाइन पे लगा हुआ था, तो जब हम लोग दर्शन करने गया था जब लाइन पे हम लोग लगा हुआ था, तो भाई साहब जो दूध जाती है ना वो नीचे साइड दूध देते हैं, तो पुलिस वाले ने मुझे बोला यार नीचे देखो नीचे। तो भाई नीचे क्या देखो यार, कुछ समझ में कुछ पता ही नहीं चला। वहाँ पे नीचे में शिवलिंग था तो उसको देखने के लिए बोल रहा था, तो नीचे बोल रहा था, तो भाई नीचे मुझे कुछ भी नहीं दिखा। फिर लास्ट में जब जाने टाइम लगा ना तब फिर शिवलिंग का दर्शन किया। तो कुछ ऐसे है, और आप लोग यहाँ पे आओगे काशी विश्वनाथ मंदिर, तो आप लोग यार तो छोटा सा होगा, मतलब शिवलिंग इतना छोटा होगा, वही आपको दर्शन करना होगा भाई साहब। और जो मंदिर है ना भाई पूरा सोने का है भाई साहब, बहुत तगड़ा है मंदिर, एक बार ज़रूर आना विजिट करने, मज़ा आएगा। और देखने में तो भाई चमक रहा था भाई। और
भाई साहब यहाँ पे अलाउड नहीं था ना, इसीलिए कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं लेके गया, नहीं तो लेके चला जाता। बाकी यहीं तक सफ़र रहेगा। बाकी अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं पटना की ओर, और पटना में देखते हैं कुछ कुछ वीडियो अगर आती है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग नॉर्थ ईस्ट जाऊँगा। तो भाई यहीं तक वीडियो रहेगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, एंड दोस्तों का शेयर करके सब्सक्राइब कर देना भाई साहब। सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई, 500 होने वाली है भाई साहब, सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा स्टेटस का थोड़ा ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं, स्टेटस का ऑप्शन आ जाएगा यूट्यूब में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गैस गैस गैस, हम लोग यार यहाँ पे यूपी में